गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज असी करांगे लैसन नंबर 4 दे क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करांगे। बेटा बहुत सारे बच्चों ने कहा कि मैडम जरा लैसन रीड करवाना, लाइन टू लाइन कराओ। बेटा जी, लाइन टू लाइन करना लैसन बहुत ज़्यादा लंबा हैगा वा, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जानी है। इस करके मैं तुहानू इस तरह करनी है कि जी आने तो क्वेश्चन आंसर ही है ना, समरी तो आनी नहीं सारी लैसन की, तो आगे जो क्वेश्चन आंसर है इन्हों की मैं पंजाबी इंग्लिश करवा देनी है तुहानू, ठीक है बेटा। तो चलो शुरू कर लेंगे। आगे है फर्स्ट क्वेश्चन है साडा, वेयर वाज द शॉप द मॉडर्न फ्रेमवर्क सिचुएटेड। जिहड़ी मॉडर्न फ्रेमवर्क शॉप है कित्थे सिचुएटेड है, कित्थे बनी हुई है, तो साडा आंसर है इट वाज सिचुएटेड इन द एम्प्टी स्पेस बिटवीन ए मेडिकल स्टोर एंड रेडियो रिपेयर शॉप। जिहड़ी आ दुकान है यह हैगी है मेडिकल स्टोर तो रेडियो रिपेयर शॉप के विचकार स्थित हैगी है। अगे हैगा साडा सैकेंड क्वेश्चन, हु वाज द ओनर ऑफ मॉडर्न फ्रेमवर्क। कहिंदे कि यह दुकान का मालक कौन है, मॉडर्न फ्रेमवर्क की जिहड़ी दुकान है उसका मालक कौन है। तुहाडा आंसर हैगा बेटा दत्ता वाज द ओनर ऑफ द मॉडर्न फ्रेमवर्क, जिहड़ा दत्ता है वह हैगा इस दुकान का मालक। अगे हैगा वट वर द वॉल ऑफ दिस शॉप कवर्ड विद, कहिंदे कि इस जिहड़ी शॉप ही इहदी दीवारां कि चीज़ां नाल कवर्ड है, तो तुहाडा साडा आंसर है दे वर कवर्ड विद पिक्चर ऑफ गॉड संत हॉकी प्लेयर चिल्ड्रन चीप प्रिंट प्रिंट ऑफ मोनालिसा नैशनल लीडर विडिंग कपर उर्दू हैंड राइटिंग सीट्स द स्नो क्लैड वलकैनो और फ्यूजमा एक्सैक्ट्रा। मतलब यदि जी दुकान दीवारा ही ओप कि कवर ही मतलब परमात्मा दिया गोड देवी देवत्या दिया पिक्चर नाल संतां दिया पिक्चर नाल हॉकी प्लेयर नाल चिल्ड्रन बच्चों दिया ना ते मोनालिसा दा पिक्चर लगी हुई ही नैशनल जिहड़े साडे राष्ट्रीय नेता उन्हां दियां ते वीडिंग कपल मतलब व्याहे जोड़े दियां ते उर्दू दियां ना हैंड राइटिंग दियां शीट्स लगियां हुई हैं ते एक जिहड़ा बर्फ नाल ढके हुए विलकानो ते फ्यूजमा दियां जिहड़ियां ही पिक्चरां लगियां हुण सारी दीवार जिहड़ी इन्हां चीज़ां नाल कवर ही, ठीक है बेटा। अगे हैगा वट डिड द कस्टमर वांट, कस्टमर की चाहता ही, तो साडा आंसर हैगा ए फोटोग्राफ ऑफ हिज ग्रांड फादर टू बी फ्रेम्ड, मतलब अपने ग्रांड फादर की जिहड़ी फोटो ही ना वह फ्रेम करना चाहता ही। अगे है फिफ्थ क्वेश्चन हैगा वट टाइप ऑफ फ्रेम डिड दत्ता शो टू कस्टमर। हुण हैगा कि दत्ता ने किस तरीके दे जिहड़े ही फ्रेम जिहड़े ही कस्टमर नूं दिखाए, तो साडा आंसर हैगा दत्ता शोड द कस्टमर ए नंबर ऑफ सैंपल प्लेन डेकोरेटिड फ्लोरल ज्योमैट्रिकल थिंग्स हैम्पटी एंड सो फोर्थ। मतलब दत्ता ने उन्होंने सैंपल बड़े दिखाए जैसा कि प्लेन ही तो डेकोरेट सजावटी ही जे जिदे ते फुल बूटे वगे ही ओ वाले तो भंगोलिक ही पतले भी ही थिन मतलब पतले तो मोटे भी ही तो मतलब बहुत तरह के उन्होंने फ्रेम दिखाए, ठीक है। अगे साडा हैगा सेवा क्वेश्चन हैगा कि वट डिड दत्ता डू टू हैल्प द कस्टमर मेक हिज चॉइस, मतलब किस तरह मतलब दत्ता ने उसकी हैल्प की उसकी चॉइस के अकॉर्डिंगली किस तरह उन्हें हैल्प की दत्ता ने। तो कहो कि दत्ता रिकमेंडेड वन फ्रेम विद गोल्डन लीव्स एंड वेडिंग क्रीपर इंपोर्टेड फ्रॉम जर्मनी। फिर दत्ता ने उन्हों मतलब जो कस्टमर ही चाहता है ना कि मैं वधिया दिखाओ, तो फिर उन्हें एक बहुत ही वधिया फ्रेम दिखाया जिसे गोल्डन लीव्स ही तो वेडिंग क्रीपर्स लगिया हुई हैं, तो जरा कि उन्हें जर्मनी तो मंगाया है ना बहुत ही वधिया फ्रेम जरा उन्होंने दिखाया, ठीक है। अगे है वट प्राइज डिड दत्ता कवोट फॉर द फ्रेम सिलेक्टेड बाय द कस्टमर, तो जरा दत्ता ने मतलब किन्ने पैसे लेने ही मतलब फ्रेम का रेट की सी, तो साडा आंसर है द प्राइज अवट अवॉट वाज रुपीस 17, मतलब 70 रुपीस ही वह कोस्ट जी ही फ्रेम दी, ठीक है। तो अगे है वट वाज दत्ता एक्सपीरियंस अबाउट हिज कस्टमर, जिहड़ा दत्ता ही उहदा की एक्सपीरियंस ही अपने कस्टमर दे प्रति अपने ग्राहकों के प्रति उहदा की तजर्बा हैगा, तो आंसर हैगा साडा हिज एक्सपीरियंस वाज डैट हिज कस्टमर नैवर कम पंचुअली टू कलैक्ट दियर फोटो फ्रेम। मतलब उहदा इह एक्सपीरियंस सी कि जिहड़े कस्टमर हैगे है ना मतलब समय ते नहीं आंदे फोटो फ्रेम जिहड़े लैण वास्ते जिहड़ी फोटोआं दित्तियां हुंदियां फ्रेम करन वास्ते जदों कर भी दिंदे तां फिर भी महीना दो महीना ला देंदे ही, मतलब इह उहदा हैगा एक्सपीरियंस सी कि उहदा दे कस्टमर जिहड़े पंचुअल नहीं हैगे। अगे हैगा फॉर होम डिड दत्ता मेक फ्रेम,
मतलब किस तरह बनाना चाहता ही, मतलब किन्ना लोगों के जड़े दत्ता जो फ्रेम बनाना चाहता ही। तो साडा आंसर है दत्ता मेड फ्रॉम फॉर दू हूज़ हू वॉन्टड टू शो और पे देयर होमेज टू द परसन इन द पिक्चर। हुण दत्ता जिहड़ा उहनूं एक्सपीरियंस सी कि लोग जिहड़ा फ्रेम मैं बना देना तो लैन नहीं आते, फिर हुण दत्ता जिहड़ा उहनां लोगों के फ्रेम बनाउंदा सी कि जिहड़ा दो तीन वारी जिहड़ा सी चक्कर लाते सी उहदी दुकान ते, ते नाले जिहड़ा फ्रेम दे पैसे पहलां ही दे हटदे सी। ठीक है, अगे आ हाउ डिड द फोटो डैमेज, हाउ डिड द फोटोग्राफ गट डैमेज। फोटो जड़ी है डैमेज किस तरह हो गई, किस तरह मतलब नष्ट हो गई, किस तरह की किया है कि वो जी फोटो ही डैमेज हो गई, खराब हो गई। तो साडा है फर्स्ट ए टिन ऑफ पेंट एम्प्टीड ऑन द फोटोग्राफ एंड लेटर इफोर्ट टू क्लीन द पेंट डैमेज द फोटोग्राफ। ठीक है, सब तो पहला तो जरा उन्होंने दुकान पर पेंट वाला डब्बा पाया होता है ना, वो जो फोटो तो डिग जाता वै, तो उस तो बाद जो पेंट न साफ करता वै तो भी वो जी फोटो डैमेज हो जाती है। अगे हाउ डिड ही ट्राई टू रेस्क्यू हिज पिक्चर, मतलब उसने पिक्चर को किस तरह बचाने की कोशिश की, उसने तस्वीर को किस तरह बचाने की कोशिश की जो पेंट वो फोटो पर डिग पिया। तो तुम्हारा आंसर है दत्ता रैप्ड द फॉलन पेंट ऑन द पिक्चर वेरी हार्ड एंड मेड ए मैस ऑफ इट। तो बेटा उन्हें पता ना की किया कि उन्हें जरा पेंट डिगा ही फोटो पर उन्होंने चंगी तरह रब करने की कोशिश, रबड मतलब रगड़ना। ठीक है, फोटो तो जरा है पेंट लाने वास्ते कपड़े ना रगड़िया तो रगड़ते रगड़ते जी गड़बड़ हो गई, पेंट तो निकलिया नहीं बल्कि वो जी तस्वीर ही फेस भी थोड़ा डैमेज हो गया। ठीक है, अगे है वट सोल्यूशन डिड दत्ता फाइनली कम अप विद। ठीक है, मतलब फाइनली उन्हें की डिसाइड किया, किस तरह उन्हें इस सिचुएशन तो निकलने वास्ते की उन्हें किया। तो साडा आंसर है ही थॉट ऑफ पुटिंग द ओल्ड मैनस डबल इन द गोल्डन फ्रेम टू पास इट ऑन हिज कस्टमर। फिर उन्हें की किया कि वो जो कस्टमर ने फोटो दिखाई है ना वो ही हम शक्ल कोई मैच खाता जड़ा है ना वो फोटोग्राफ जी ले ली, तो फोटो जी फ्रेम कर दी। अगे है वाई वाज द डे डैट फॉलोड वर फील्ड विद सस्पेंस एंड अनैक्सिटी, मतलब क्यों हूँ वह जो दिन ही बहुत ही मुश्किलों ना भरया होया है, बहुत ज़्यादा दुविधा तो बेचैनी ना भरया होया है। तो साडा आंसर है दे वर फील्ड विद सस्पेंस एंड अनैक्सिटी बिकॉज दत्ता फ्योर डैट ही द कस्टमर वुड कैच हिम एट द ओल्ड मोमेंट। तो दत्ता इस करके परेशान ही कि कदे गाहक नू पता ना लग जाए कि उन्हें एंड विच की किया वै, मतलब गाहक जड़ी उहदी मिसटेक नू फड़ ना लवे, कि अपने दादे की फोटो ना वेख लवे कि मैं उहदे दादे की जगह ते कि होर आदमी की फोटो लाई है, वह ना कि मैनू फड़ लवे। इस गल नू बेचैन सी ते घबराया होया सी। ठीक है, अगे है वट इफेक्ट डिड द पिक्चर हैव ऑन द कस्टमर, की इफेक्ट पिया। तो यदा हैगा द कस्टमर वाज स्ट्रक अबाय द ब्यूटी ऑफ द फ्रेम एंड बिकम मम। तो बाद जो उन्हें कस्टमर ने पता की किया, कस्टमर जड़ा है उन्हों कोई किसी चीज़ दिन पता लगा, कोई इफेक्ट नहीं पिया, मतलब कोई फोटो का इफेक्ट नहीं पिया, वो तो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया, फ्रेम की ब्यूटी वेख के ही बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। उन्हें तस्वीर वाल बिल्कुल नज़र नहीं लगाई कि वो दे दादा की पिक्चर है या होर कि इंसान की वो मैच खाता कोई मिलता हम शक्ल या कह लो या थोड़ा बहुत मैच खाता हैगा, तो उन्हें सिर्फ जो कस्टमर ही फ्रेम की ब्यूटी वाल ही ज़्यादा अट्रैक्टिव ही। ठीक है, अगे है वट वाज द कस्टमर कंप्लेन रिगार्डिंग द फ्रेम। हूँ हैगा कि कस्टमर ने की कंप्लेन की फ्रेम बारे, की कंप्लेन की। साडा आंसर है ही कंप्लेन्ड डैट द फ्रेम मेकर हैड गिवन हिम ए स्क्वायर फ्रेम इंस्टेड ऑफ द ओल ओवल शेप ऑर्डर्ड बाय हिम। उन्हें सिर्फ यही शिकायत की कि जड़ा ही पहला ही तुम कहा है कि स्केयर शेप बनाना वै, तो तुम जरा स्केयर शेप नहीं दिती, ओवल शेप दे दी, बस गाहक ने इन्ना ही कहा कि तुम जरा फ्रेम ही ना मेरे हिसाब ना
ऑर्डर जिहड़ा मैं दिता सी उस तरीके नाल ही बनाया। उन्हें कोई नज़र नहीं रखी कि फ्रेम विच जिहड़ी फोटो है किहड़ी लगी हुई है, ठीक है। उन्हें सिर्फ यही शिकायत की कि जिहड़ा मैं ऑर्डर दिता सी उस अकॉर्डिंगली जिहड़ा ही फ्रेम नहीं बनया, ठीक है बेटा। इस तरह साडे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो गए ने, ते नेक्स्ट वीडियो में अं लोंग क्वेश्चन आंसर करांगे। बेटा ध्यान ना पढ़ लेना, हुण स्टडी बहुत डीपली करनी है ताकि जो फाइनल एग्जाम आन तो सानू किसी तरह की कोई भी परेशानी ना आए। तो आज तो मैं बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स ते बाकी जेडे सब्जैक्ट है बेटा मैं दस देना कि कहड़े कहड़े तुहाडे सब्जैक्ट है, फिर उस दे अकॉर्डिंगली मैं बुक्स परचेज करके तो तुहानू करवाना शुरू कर देंगे, ठीक है बच्चे। तो ध्यान ना पढ़ना, ठीक केयर।